हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय चैनल निधि ऑनलाइन ट्यूशंस। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। टुडे वी विल डिस्कस द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है, हमने इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टू टाइप्स की होती थी, सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल। तो ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं, सेक्चुअल मीन्स टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। सेक्चुअल में हमने पढ़ा था टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। ह्यूमन्स वी नो, एवरी पर्सन नोज ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्चुअली, मीन्स दे हैव टू पेरेंट्स, वन इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल। ह्यूमन बींग्स आर विविपेरस एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स विच गिव राइज टू द एम्ब्रियोज डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स। विविपेरस मीन्स, विविपेरस पता होना चाहिए, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस आर द ऑर्गेनिजम्स विच ले एग्स एंड विविपेरस आर द ऑर्गेनिजम्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। मतलब कि सीधा बेबी ही रिप्रोड्यूस होता है, एग नहीं आता, ठीक है। उसके बाद इन दिस प्रोसेस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल। ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जो ऑफ स्प्रिंग्स हमारे पास बनते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, वो कैसे बनते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से। टू गैमीट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, या सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं उनको हम, स्पर्म एंड एग फ्रॉम ईच पेरेंट। हेंस द न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल विल बी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। तो जो न्यूली फॉर्म जो इंडिविजुअल होएगा, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है पेरेंट्स से, बोथ जेनेटिकली एंड फिजिकली। मतलब कि उसका जो एक्चुअली जेनेटिकली वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेटिंग ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, क्रोमोसोम्स ऑफ टू ऑर्गेनिज्म मेट टूगेदर, ज्वाइन होकर न्यू करेक्टर्स देते हैं उसको। कुछ करेक्टर्स उसको मेटरनल मिलते हैं, कुछ पैटर्नल मिलते हैं, मतलब कुछ पापा से मिलते हैं, कुछ मम्मा से मिलते हैं। तो इसलिए उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। देयर इज सेम डीएनए, जैसे डीएनए टेस्ट हम करते हैं, वो सेम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन ह्यूमन बींग्स बोथ मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, हेंस दे आर नो द एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मतलब कि वो क्या कहता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें टू ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, मेल एंड फीमेल, एंड बोथ हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। दोनों के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो भी डिफरेंट होते हैं। सो इसलिए उनको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसलिए उनका जो डिफरेंस के कारण, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मतलब रिप्रोडक्शन के डिफरेंस होने के कारण उनको एक टर्म दे दी है, उसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, बच्चे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, तो आप लिखोगे ह्यूमन बींग्स बोथ मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो दे आर नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मेल हैव टेस्टिस, आल्सो कॉल्ड टेस्टिकल्स, वाइल फीमेल्स हैव पेयर ऑफ ओवरीज। मेन टू पार्ट्स होते हैं, मेल्स के पास टेस्टिस होती हैं और फीमेल्स के पास ओवरीज होती हैं। मतलब टेस्टिस होती हैं, वहाँ से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और ओवरीज से एग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इन्हीं से ही फिर आगे इनकी मेटिंग होके ही आगे फ्यूजन होके ही एम्ब्रियो बनता है या बेबी बनता है। वेन गर्ल एंड बॉय अटेन प्यूबर्टी, वो कहते हैं जब बॉयज़ और गर्ल्स में प्यूबर्टी आती है। एक्चुअली जो ओवरीज और टेस्टिस होती है, ये हमें पता है हमारे अंदर, हमारी मतलब ह्यूमन बींग्स में होती हैं, मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरीज। बट व्हेन दे डिवेल्प टू रिप्रोड्यूस, दैट स्टेज नोन एज प्यूबर्टी। मतलब कि जब हमारी टेस्टिस और ओवरीज जब स्टार्ट कर देती हैं स्पर्म और एग बनाना, उस स्टेज को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। दैट ओकर लोड्स ऑफ चेंजेस इन द बॉडी। जब प्यूबर्टी आ जाती है, जब हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी से, हमारी जो ये ओवरीज और ये टेस्टिस हैं, इनको हम ग्लैंड्स भी कहते हैं एक तरह की। ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करती है। जब ये हार्मोन सिक्रीट करने लग जाती हैं, तो उसी से ही, हार्मोन से ही हमारी जो बॉडी है, उसमें क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी आती है। मतलब वो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आती है हमारी बॉडी के अंदर। तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी या एडोलेसेंट स्टेज। एडोलेसेंट स्टेज ये हमने 8th में भी पढ़ा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स एंड जेनेटिक रीजन आर कॉमन टू बोथ फीमेल एंड फीमेल्स। ये हमें पता ही है, हेयर आर्म स्पीड्स में और जेनिटल रीजन्स में हेयर्स आ जाते हैं बोथ मेल और फीमेल में। और नॉर्मली सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। व्हाट आर सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टर्स? द सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टर्स आर द करेक्टर्स विच डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम अ फीमेल। हमें पता लग जाता है किसी को भी देख के कि ये लड़का है या लड़की है। कैसे पता लगता है? मेल्स में क्या होते हैं, बियर्ड होती है, माउथ स्ट्रेचेज होती है, मूछें होती हैं, ठीक है, उनके चेस्ट पे हेयर्स होते हैं। गर्ल्स में ब्रेस्ट होती है, थोड़ा हिप साइज होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? तो गर्ल्स हैव इंक्रीज ब्रेस्ट साइज, डार्कनिंग ऑफ स्किन एंड टिप ऑफ निप्पल्स एक्सेट्रा। सम चेंजेस सच एज थिक हेयरी फेशियल ग्रोथ एंड वॉइस चेंजेस अकर इन मेल्स।
बॉयज़ की वॉइस होती है वो हैवी हो जाती है और गर्ल्स की हाई पिच होती है, तीखी हो जाती है। ये सब किस कारण स्टेज पे होते हैं? प्यूबर्टी की स्टेज पे। किस पे? प्यूबर्टी की स्टेज पे। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइज ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स एंड मेल जेनिटेलिया। फर्स्ट इज टेस्टिस। टेस्टिस क्या होती है, मैं आपको इसका फिगर दिखाती हूँ। दिस इज टेस्टिस। एक्चुअली ये हमें साइड सेक्शन दिखाया हुआ है, साइड सेक्शन में हमें वन टेस्टिस दिखाई हुई है, एक्चुअली टू टेस्टिस होती हैं, ठीक है। और ये जो टेस्टिस होती है, दिस इज टेस्टिकल लिखा हुआ है, ये टेस्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है? ये टेस्टिस है। इसके बाहर की कवरिंग होती है, इसको होते हैं स्क्रोटम, जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, तो हम देखते हैं हम क्या है। टेस्टिस द साइट वेयर मेल गैमेट्स और जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। मेल गैमेट्स, या फिर हम किसको मेल गैमेट्स को क्या कह सकते हैं, स्पर्म्स भी कह सकते हैं और जर्म सेल्स भी कह सकते हैं। दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द सैक नोन एज स्क्रोटम। ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है। आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाई द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? बिकॉज दिस इज टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। इनको अगर स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं टेस्टिस को, तो इनको लो टेम्परेचर होना चाहिए। ये हाई टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो टेस्टिस प्रोड्यूस मेल हार्मोन, सो दिस इज टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो अगर ये अगर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होएंगी, तो टेम्परेचर हाई होता है हमारी बॉडी का, तो इसलिए वहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होएगी। तो इसलिए ये क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, स्क्रोटम होता है। ओके, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस। ओके, टेस्टिस प्रोड्यूस मेल हार्मोन। इसमें हार्मोन सीक्रेट होता है टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी होता है तभी टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, 12 से 13 साल से पहले टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होता बेबीज में। नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस वही सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक कौन से, जैसे माउथ स्ट्रेचिंग होगी, बियर्ड हो गए, जिससे हम मेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम फीमेल्स, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की रिलीज के टाइम में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। ओके, सेकेंडरी स्क्रोटम हमने इसको पढ़ी लिया। इट इज अ सैक लाइक ऑर्गन दैट हैंग बिलो द पेनिस एंड बिहाइंड इट। सैक लाइक, एक थैली की तरह होता है ये। क्या करते हैं स्क्रोटम के अंदर, क्या होता है स्क्रोटम के अंदर, टेस्टिस होती है वो प्रोटेक्ट रहती है, ये पेनिस के साथ अटैच होता है, ठीक है। इट इज द हाउस ऑफ टेस्टिकल्स और टेस्टिस। हाउस मतलब इसके अंदर टेस्टिकल्स या टेस्टिस रहती हैं। एंड मेंटेन एंड टेम्परेचर डेट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो ये क्या करती है स्क्रोटम, उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, जिससे वो स्पर्म प्रोडक्शन कर सके। थर्ड इज वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं वासा डिफरेंस और स्पर्म डक्ट। नाम से ही डिफाइन हो रहा है, स्पर्म डक्ट मतलब जो स्पर्म को कैरी करेगी। जैसे टेस्टिस में स्पर्म्स रिलीज होते हैं, तो वो क्या करेगी, वो स्पर्म्स वासा डिफरेंस के थ्रू कहाँ जाते हैं, यूरिथ्रा के अंदर। मैं आपको यहाँ पे सेक्शन में दिखाती हूँ, ये जो ये टेस्टिस है, यहाँ से ये रही वासा डिफरेंस, ये आपको एक पाइप सी दिखाई दे रही है, दिस इज वासा डिफरेंस। यहाँ से फिर ये ब्लैडर के अंदर जाती है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से फिर वहाँ से होते हुए वो फिर पेनिस के थ्रू फिर फीमेल के अंदर इंजेक्ट होता है। व्हेन द पेनिस एंटर इन द फीमेल बाय पेनिस के थ्रू, देन द स्पर्म्स इज एक्ट इन द फीमेल बॉडी। ओके, तो दिस इज द वासा डिफरेंस, इज अ डक्ट दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स टू यूरिथ्रा, विच इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म इजेकुलेशन। एंड फोर्थ इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स या कॉपर्स ग्लैंड। ये ग्लैंड हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं स्पर्म को, और उसको मूवमेंट में हेल्प करती हैं। नॉर्मली स्पर्म क्या होता है, स्पर्म ऑलरेडी उसके पास टेल होती है जो उसको मूवमेंट देती है, लेकिन उसको एक प्रॉपर कंडीशन चाहिए वो जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके, नरिशमेंट चाहिए। तो वो क्या होती है, ये ग्लैंड्स होती हैं, ये उसको क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। कॉपर्स ग्लैंड प्रोड्यूस म्यूकस लाइक फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फीमेल वेजिना। ऑल दी सिक्रीशन अलोंग विद द स्पर्म फॉर्म द सीमन। ऐसे जो कॉपर्स ग्लैंड होती है वो क्या करती है, फीमेल की वेजिना के अंदर जो एसिडिटी अगर होती है, एसिडिफाइड जो नेचर होती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है ताकि स्पर्म सर्वाइव कर सके। ओके, तो ऑल दी सिक्रीशन अलोंग विद द स्पर्म फॉर्म द सीमन। तो जो सीमन होते हैं वो ही इंजेक्ट होता है फीमेल की बॉडी के अंदर थ्रू पेनिस। व्हाट इज टेस्टिस? टेस्टिस फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स और स्पर्म्स इन टेस्टिस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस हमने पढ़ लिया ऊपर, तो लेकिन जब फॉर्मेशन मेल गैमेट और स्पर्म का टेस्टिस में बनना, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटो
जेनेसिस, क्या कहते हैं, स्पर्मेटो जेनेसिस। स्पर्म्स आर हैप्लोइड इन नेचर, ये हमने पता ही है हमें कि जो एग सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि दोनों ने मेट करके डिप्लोइड बनाना है तभी बेबी ग्रो होएगा। तो स्पर्म्स क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 23 मेल से मिलते हैं, 23 फीमेल से मिलते हैं, तभी जायगोट बनते हैं, वो डबल 46 होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस सेमिनल वेसिकल ही हमें दिखाई हुई है, दिस इज द साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म इन द टेस्टिस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन, नीडेड फॉर द मेल सेकेंडरी स्ट्रक्चर एज वेल एज फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। वही सेम है, टेस्टिस क्या होते हैं, प्रोड्यूस मेल हार्मोन्स जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ओके, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड होप यू ऑल अंडरस्टैंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली बच्चों को पता नहीं होता, बट दिस डोंट फील शाई अबाउट शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स। दीज आर द कॉमन, इफ़ वी आर स्टडिंग अ साइंस देन वी शुड नॉट फील शाई इन डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। यू आर यूजिंग द साइंटिफिक लैंग्वेज, डोंट यूज योर अब्यूसिव लैंग्वेज इन रीडिंग दिस चैप्टर। सो थैंक यू वंस अगेन।